G20 सम्मेलन दिल्ली में अतिथि देव भव 8-9-10 नई दिल्ली में भव्य सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन भारत करता है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह पर्यावरण की दुनिया में आज सुबह टाइम्स आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आओ हम सभी लोग मिलकर पर्यावरण स्वच्छ सुंदर बनाएं, क्योंकि पर्यावरण विश्व भर में कितना महत्व रखता है, इसे देखते हुए हम सभी को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत ही है जो सभी का पर्यावरण के बारे में जागरूक और जागरूकता के साथ साथ लोगों को संदेश भी देती है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर सुबह हो या शाम हो और अधिक से अधिक पेड़ पौधे सभी देशवासियों को लगाना चाहिए, जिससे कि संरक्षण शुद्ध हो और मानव जीवन की शुद्धता ही पर्यावरण पर टिका है। जैसा कि यदि शुद्ध हवा हम सभी मानव को नहीं मिलेगा तो हम सभी लोग निरोग हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, जिससे कि संरक्षण ऊर्जा के साथ साथ हम सभी को पर्यावरण को रंग बिरंगे और आकाश पाताल और धरती आदि हर जगह पर्यावरण की सख्त ज़रूरत है और पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। स्वच्छता ही हम सभी का सबसे बड़ा निशानी है। मानव जीवन की नींव शुद्ध पर्यावरण पर ही टिका है। यदि हम सभी, अगर उदाहरण के तौर पर हम सभी लोग अन्न जल और सभी पर्याप्त रूप से मिलता रहे लेकिन शुद्ध हवा ना मिले तो कितना गर्मी से बेहाल हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वह गर्मी जहरीला बनकर हम सभी को आघात पहुंचाए। तो इसलिए शुद्ध हवा के लिए हम सभी का एक ही उपाय है, सिर्फ आप पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाइए और पृथ्वी को एकदम स्वच्छ और सुंदर बनाइए, जिससे कि हम सभी लोग आगे बढ़कर जीवन में कुछ आगे और स्वास्थ्य जीवन के लिए कुछ आगे बढ़ सकें। और स्वास्थ्य जीवन के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो हम हेल्थी रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और पर्यावरण का जो हमारा नेत्र है वह आगे बढ़ता रहेगा। तो पृथ्वी लोक पर और हर जगह पर्यावरण शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और इसी लेकर आज दुनिया भर में लोग जो है आज संकट भरे जीवन जी रहे हैं। कोई पर्यावरण को लेकर संकट, प्रदूषण अधिक है किसी शहर में, जिस तरह से गाड़ी मोटर अधिक चल रहे हैं तो उससे प्रदूषण ही प्रदूषण शहरों में छाया हुआ है। वहीं पर यदि हम पहाड़ की तरफ जाते हैं या गाँव की तरफ जाते हैं, कस्बे की तरफ जाते हैं, तो खेत बारी हरियाली युक्त मौसम मिलता है, कितना सुंदर लगता है। पहाड़ों पर भी पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, स्वच्छ हवा मिलती है, तो वह मानव जीवन के लिए कितना जो है महत्व रखती है। तो जो व्यक्ति शहर में रहते हैं, यदि उनका गांव है या किसी भी तरह से टूरिस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें पहाड़ों पे या तीर्थ स्थलों पर और या गांव वगैरह जाना चाहिए। और इसे आप यदि वहाँ पर 1 किलो यदि आप डेली महीने में घी खाते हैं, वहाँ का पानी और यहाँ का देसी घी एक बराबर होता है। तो इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना और पर्यावरण के लिए हम सभी को आगे बढ़ना, खुशहाली जीवन के लिए कुछ आगे बढ़ना हम सभी का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है। तो शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण यदि चाहिए तो पेड़ पौधे, आप शहर में रह रहे हैं तो आप पार्कों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, स्वच्छ सुंदर बनाइए अपने पार्क को और हरियाली युक्त मौसम बनाइए। और इसी वक्त के साथ साथ हम सभी को विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आइए हम सभी लोग भारत सरकार की जो हम सभी का जो योजना है या जो है नींव है, हम सभी लोग इस पर कंधों से कंधा मिलाकर चलें और स्वच्छता के लेकर हम सभी लोग पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। पर्यावरण का स्वच्छ बनाना हम सभी का सबसे बड़ा कर्तव्य, और यह कर्तव्य के साथ साथ आगे बढ़ने का भी हम सभी लोग संकल्प लेते हैं, जिससे कि हम सब जो है यदि स्वच्छ सुंदर होंगे और हंसते खिलखिलाते और हेल्थी रहेंगे तो हम सभी लोग जो है हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, हम सभी लोग निरोग रहेंगे, शुद्ध हवा मिलेगा तो हम सभी लोग निरोग रहेंगे, अच्छे खाने खाएंगे, अच्छे रहन सहन होगा और हम सभी का जीवन में आगे बढ़ने का एक अलग उदाहरण मिलेगी। तो हम आप फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक आप पेड़ पौधे अधिक। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।